हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI PO सेल्फ गिवेन एग्ज़ाम एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो मैंने ये पेपर खुद दिया है 2019 वाला, और मैं इसके कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करूँगा और पेपर में क्या क्या आया था इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के और 5 एरर डिटेक्शन के और 5 स्पेलिंग एरर के आए थे और 7 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आए थे। और क्लोज टेस्ट जो है डाइट के ऊपर आया था, सर्वे हुआ था उसमें। तो क्लोज टेस्ट सर्वे में डाइट के ऊपर सर्वे हुआ था, उस बारे में पूछा गया था। अब देख ले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था एक, जो कि फेक न्यूज़ इन सोशल मीडिया के ऊपर था। तो अब देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या आया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का लेवल आप लोग इजी बोल सकते हैं। अधिकतर लोगों ने 25 से 30 क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं। तो देख लेते हैं अब रीजनिंग में क्या पूछा गया था। रीजनिंग में सबसे पहले बता दूं, 5 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आई थी, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पर्सन फेसिंग इन एंड आउट डायरेक्शन आया हुआ था। ये इजी लेवल की पजल थी। रो बेस्ड पजल आई हुई थी, जिसमें 10 पर्सन फेसिंग नॉर्थ था। ऑर्डर वेज बेस्ड वेट को अरेंज करना था, और इसमें एक वेरिएबल भी दिया हुआ था। मंथ बेस्ड फ्लोर पजल आई हुई थी विद 2 डेट्स, और इसमें 2 डेट दी हुई थी। तो इसमें पर्सन्स को आपको अरेंज करना था। और देख लेते हैं आगे क्या आया था। एक सीनियरिटी लेवल पे अरेंजमेंट पजल आई हुई थी, ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट पजल सीनियरिटी लेवल पे आई हुई थी। तो इनको सीनियरिटी के हिसाब से अरेंज करना था ये वाली। और 4 सी लॉग आए थे, 2 डायरेक्शन और 2 इनइक्वालिटी। तो इसका ओवरऑल लेवल ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। जिनकी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं, उनको ये पेपर मॉडरेट लगा हो, रीजनिंग सेक्शन मॉडरेट लगा होगा। तो अब देख लेते हैं कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स में 2 सेट ऑफ DI आए हुए थे, जिसमें बार ग्राफ था और एक टेबल DI था। बार ग्राफ इजी लेवल का था और टेबल DI जो है वो मॉडरेट लेवल का था। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई हुई थी और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए हुए थे और 5 क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी के आए हुए थे। मेरी शिफ्ट में कैसलेट DI नहीं आया था। डेटा सफिशियंसी 5 नंबर की आई थी और 10 क्वेश्चन मिसलिनियस वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए आए हुए थे। तो ओवरऑल पेपर को आप मैथ सेक्शन को इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, और ओवरऑल जो पेपर है उसको इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो अब मैं बता दूं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो अराउंड 56 या 57 था SBI PO प्रीलिम का। तो इस साल SBI PO प्रीलिम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 55 से लेकर के 65 के बीच लाई कर सकता है, 55 से लेकर 65 के बीच। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।